नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल गार्डन ऑफ ड्रीम्स में। और ऐसी कामना करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी गार्डनिंग में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज एक छोटी सी वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। वीडियो हालांकि छोटी होगी लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो जिन लोगों ने बोतल में इस तरीके से मनी प्लांट को लगाया है, ये नियोन मनी प्लांट है दोस्तों, और यदि उनकी रूट्स अच्छी डेवलप हो गई हैं तो वो उनको अगर सॉइल में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी कि हम सॉइल में कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने बोतल में लगाया था और इसकी रूट्स काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई हैं। तो हम इनकी रूट्स को पहले ट्रिम करेंगे, इतनी बड़ी रूट्स को हम नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा हम कैंची से काट देंगे और काटने के बाद अच्छा सॉइल मिक्सचर बनाकर उसमें लगा देंगे। तो ये मैंने अच्छा सा सॉइल मिक्सचर बनाया हुआ है और इसमें मैं अभी आपको लगाकर दिखाती हूँ। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये देखिए, दो स्टेम्स मेरी लगाई थी मैंने बोतल में, तो इन दोनों को ही मैं इसमें लगाऊंगी। वैसे तो अलग अलग भी हम लगा सकते हैं लेकिन मैं इसको गोल शेप देना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपको एक अपना दिखाया था, अपने गमले में गोल शेप में लगाया हुआ है। इस समय उसको मैं नीचे ले गई हूँ तो इसको भी मैं गोल शेप दूंगी और समय समय पर आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने ये बास्केट तैयार की थी तो ये भी गोल शेप में ही जाएगा। तो वैसे तो इस तरीके से भी आप चढ़ा सकते हैं, एक सिंगल या दोनों ही स्टेम्स को मॉस स्टिक पर लगा करके इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं गोल शेप दूंगी और इस तरीके से मैं इसमें इसको लगा दूंगी। और लगाने के बाद में फिर हम इसमें पानी दे देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसको मिट्टी में लगा दिया है। अब धीरे धीरे जैसे ये ग्रो करेगा तो मैं इसको ट्रिम करती रहूँगी, साइडों से काटती रहूँगी, जिससे कि ये नीचे ना लटके बल्कि गोल शेप में आए। तो इसमें हम पानी डाल देते हैं और इसको छाया वाली जगह पर हम कुछ दिन के लिए रख देंगे। और उसके बाद ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ इसको छन कर धूप मिलेगी, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में मनी प्लांट की पत्तियाँ जलने लगती हैं। तो इसमें भी हमें यदि कोई लीव, जैसे इसकी ये लीव हमें सही नहीं दिख रही है, थोड़ी येलो है, तो इसको हम हटा देंगे। तो आपको यदि मनी प्लांट में कोई लीव ख़राब दिखती है, येलो कलर की दिखती है इस तरीके की, तो उसे आप हटा दीजिए क्योंकि बेकार में ही वो एनर्जी लेती है और देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो मनी प्लांट्स में जो लीव्स हैं वो देखने में तभी सुंदर लगेंगी जब हम उसकी केयर करेंगे, समय समय पर उसको पानी का स्प्रे करेंगे और इस तरीके से वो अच्छे से ग्रो होता है। यहाँ भी देखिए, मैंने एक छोटा सा मनी प्लांट लगाया था, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इसी तरीके से एक मैंने उधर लगाया है, वो तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है। तो दोस्तों, आप भी ज़रूर लगा कर देखिए, यदि आपने पानी में लगाया है तो उसको आप गमले में लगा सकते हैं।